हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में एथिकल डायलेमा। क्या बात करेंगे? एथिकल डायलेमा, दिल मा, दिल में, ना ना ना, एथिकल डायलेमा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एथिकल डायलेमा को समझने से पहले बिजनेस एथिक्स, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ गुड बिहेवियर इन बिजनेस, वी नो वेरी वेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन वर्क प्लेस, एंड अकॉर्डिंगली वी विल चूज अ राइट थिंग। है ना, यही है तुम्हारा बिजनेस एथिक्स। बट द थिंग इज दैट जब हम लोग एथिकल डायलेमा की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है हम समझ नहीं पाते हैं। वी हैव चॉइस बट वी आर नॉट एबल टू चूज अ पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ कंसेप्ट है। इसी धर्म संकट को कहते हैं एथिकल डायलेमा। ठीक है कि नहीं है? तो देखो क्या लिखा गया है। एथिकल डायलेमा इज अ मोरल सिचुएशन, ठीक है, वेयर चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल इवेंट्स या अल्टरनेटिव्स। आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, या तो ये कर यहां जाओ या तो यहां जाओ, ठीक है कि नहीं है? लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। ये है तुम्हारा एथिकल डायलेमा। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल में नॉट बिजनेस लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आता हूं। जैसे मान लीजिए आप हमेशा सही का साथ देते हैं, ठीक है कि नहीं? एक एग्जांपल है। और आपके पास एक भागता भागता इंसान आया जो बहुत ही डरा हुआ है और कह रहा है कि मुझे प्लीज बचा लो, नहीं तो मुझे लोग मार डालेंगे। तो आप इंसानियत के नाते क्या करते हो? सोच रहे हो कि मैं उसे अपने पास रख लो, ठीक है कि नहीं है? तो आप सपोज मान लीजिए आप सोचते कि मैं उसे बचा छुपा लो। अब आपके मन में यह भी चल रहा है कि मैं तो सच्चा इंसान हूं, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अगर लोग पूछते पूछते मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि वो उस बंदे को आपने देखा क्या, तो मैं ना कैसे बोलूं? तो आप बड़ी दुविधा में हैं कि मैं चाहता तो हूं इसे बचाना, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि मैं झूठ ना कहूं। तो आप समझ रहे हो बात क्या हो रही है? आप एथिकल वे में फंस चुके हो। वो बात अलग है कि हमें बाहर निकलना होता है, क्योंकि देखो यहां पर लिखा है मैंने नोट में, हाउएवर एनी एथिकल डायलेमा नीड्स टू बी सॉल्व। हमें एनी हाउ एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ता है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमें कोई सही डिसीजन लेना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। आर यू गेटिंग और नॉट? और इस चीज को सॉल्व करना कोई आसान बात नहीं है। एक जरा सी चूक जिंदगी भर आपको परेशान कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा। आई होप आपको समझ में आया। अब नॉर्मली जो इजियर एथिकल डायलेमा होता है वो क्या होता है? आपको राइट एंड रॉन्ग में चूज करना है। तो क्या होता है कि हमें पता है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है। कभी कभार क्या होता है, हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है ना, और ये कम अच्छा लगता है, ठीक है, वॉट एवर। लेकिन आपको ये कर लेते हो। मतलब क्या था, आप शुरू में परेशान थे क्या चूज करूं क्या चूज करूं, और फाइनली आपने चूज कर लिया। तो क्या हुआ, आप शुरू में परेशान हुए। दैट इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा। लेकिन ऊपर बिजनेस एथिक्स में हमने क्या देखा था, एथिक्स बोलेगा तो क्या, डूइंग व्हाट इज राइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, राइट एंड रॉन्ग दोनों सिचुएशन है और आप दुविधा में हो कि मैं किसको चूज करूं। ये है एथिकल डायलेमा। फिर भी ये इजियर है एज कंपेयर टू अनदर विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि भैया दोनों राइट थिंग्स हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, ठीक है कि नहीं है? तो चलो अब आगे हम एक प्रॉपर बिजनेस टाइप के एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग कंपनी लॉ। तो कंपनी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये सिचुएशन मैंने आपके पास रख ली है, व्हाट इज एथिकल डायलेमा, ठीक है, कि चॉइस बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव, हाउएवर नीड्स टू बी सॉल्व, ये याद रखिएगा। तो आइए हम बिजनेस डायलेमा कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं, ठीक है, बिजनेस डायलेमा कैसे कॉर्पोरेट में एग्जिस्ट करता है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर, भी डिसीजन मेकर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फेसेस चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शन, फेसेस चॉइस बिटवीन, ठीक है, और मैं इसको चूज करूं कि इसको चूज करूं, वॉट एवर। और आपको मालूम है कि मैं जो कुछ भी चूज करता हूं उसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। किस पर? मेरी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर, कॉम्पिटिशन पर,
और ऑफ कोर्स मुझसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, उस पर कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ रहा है। मतलब आपको इतना सोचने में मजबूर कर दे रहा है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बिजनेस डायलेमा में ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपको पता है हमेशा पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में फाइटिंग होती है कि मेरी कोई पर्सनल वैल्यू है कि नहीं है। अरे भैया बिजनेस का गोल अचीव करना है, तुम्हें ये सब चीज तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अरे मेरी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो मैं इसको एक एग्जांपल में लेता हूं। अब यहां पर आपके पास चॉइस है, लेकिन आप धर्म संकट में हो, इसीलिए क्या है, एथिकल डायलेमा है जो बिजनेस में है। चॉइस बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव। आप केवल पर्सनल वैल्यू को फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। आप केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहो तो पर्सनल वैल्यू क्या हो जाएंगी, गड़बड़ा जाएंगी। तो आप बहुत परेशान हो, और अगर आप कोई भी चूज करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ना। तो देखो कैसा हो सकता है ये एग्जाम्पल है, इसी को आगे बढ़ाता हूँ। लेट नाइट सिटिंग फॉर ऑफिस वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये तो अभी हम सबको मालूम है कि आज हमें नॉर्मल वर्किंग हाउस से कई ज्यादा काम करता, इतना काम करना पड़ जाता कि कभी कभी हम इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार हमारा तो ना पर्सनल लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, इतना रात रात भर काम करने का और हमें कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, टारगेट है, क्लाइंट को हमें टाइम पर देना है, और उसके पीछे बहुत सारी बातें रहेंगी जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है। और दूसरी तरफ ये एक चॉइस हो गया कि या तो लेट नाइट काम करो, पर्सनल लाइफ भूल जाओ, या तो फॉलोइंग एक्चुअल वर्किंग हार्स फॉर इंजॉइंग पर्सनल लाइफ। मतलब अगर आप पर्सनल लाइफ को ज्यादा अहमियत देते हो और चुकट काम करते हो तो क्या होता है, नो इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो आप दुविधा में पड़ चुके हो कि मैं किसको ज्यादा अहमियत दूं। इसी टाइम पर जो है ना, जो प्रॉपर डिसीजन मेकर होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। अगर वो सही तरह से सही तरीके का डिसीजन लें, मतलब चीजों को बैलेंस करें। हमने 10 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में पढ़ा था है ना, प्रोपोर्शनली डिसीजन लेना। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेता है, सोच समझ कर लेता है, तो एक सही आउटपुट बाहर आ सकता है जिससे चीजें बैलेंस हो सकती है। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मस्ट एक्ट आउट ऑफ प्रूडेंस टू टेक अ बेटर डिसीजन। तो हमें बहुत ही समझदारी से जो है एक सही निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया मैं किस चीज को अहमियत दूं। तो जो भी डिसीजन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, मैं अगर कुछ कह दूं तो आपके मन में जरूर सवाल बैठेगा, सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, इसलिए मैं अपना डिसीजन नहीं दूंगा क्योंकि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप सोचो इसका सोल्यूशन क्या करना है करके, ठीक है। तो फाइनली जो डिसीजन मेकर होता है वो एक बेटर डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। इससे क्या होगा, सो दैट समहाउ पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बोथ कैन बी अचीव्ड। तो मैं यहां पर आपको इतना ही बोल सकता हूं कि एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जिससे सामने वाले की पर्सनल लाइफ भी खराब ना हो और कंपनी का जो गोल है वो भी अचीव हो। तो ये बहुत इजी काम नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमा, ठीक है कि नहीं है। और इसलिए मैंने यहाँ नोट लिखा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई बोथ साइमल्टेनियस। सही बात है, आप एक साथ दोनों को खुश नहीं रख पाएंगे, तो चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए ताकि हम उसको समझा सकें और वो समझ भी सके, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें हैं और यही तो है एथिकल डायलेमा। अगर लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है तभी तो है एथिकल डायलेमा। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इन सारी चीजों को फटाफट में निचोड़ कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एथिकल डायलेमा। और एथिकल डायलेमा नॉर्मली क्या होता है, एक मोरल सिचुएशन होता है जहां पर चॉइस करना है हमें दो इक्वल अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स के लिए। और हमें याद रखना है कि एथिकल डायलेमा एनी हाउ हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि बिजनेस में एथिकल डायलेमा किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जब डिसीजन मेकर को फेस करना पड़ता है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, और मैं जो भी ऑप्शन चूज करूंगा मुझे कहीं ना कहीं पता है कि इसका इम्पैक्ट जो है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन और स्टेक होल्डर पर पड़ सकता है एनी हाउ। तो मुझे
एक सही तरीके से एक बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा। और किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ एथिकल डायलेमा विच एग्जिस्ट इन एवरी बिजनेस हाउसेस एवरीवेयर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।